घर बैठे निशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वागत है आप सभी का, स्वागत है संगीत प्रभा वर्ल्ड के एक और नए वीडियो में। तो पहले तो मैं आप सभी से ये क्लियर कर दूं कि मैं मास्टर निषाद आप सभी के सामने ये जो टिप्स के वीडियोस आपको देता रहता हूँ, ये बिगिनियर म्यूजिक लर्निंग टिप्स या फिर कहें ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो आप सभी बिगिनियर्स के होते हैं, ये ऐसा नहीं है कि इनमें मैं क्या करता हूँ, ज़्यादातर आपके जो सवाल होते हैं उनको मैं ग्रामर से ही लिंक करता हूँ कि कुल मिला के आपके ये जितने भी सवाल हैं उनके सब के जवाब आपको वो ग्रामर ऑफ म्यूज़िक में ही मिलेंगे जो संगीत प्रभा वर्ल्ड ऑलरेडी सिखा चुका है और लगातार सिखा रहा है। प्लेलिस्ट कंटिन्यू है, उसमें लगातार नए एपिसोड्स भी आते हैं, बट जनरली अभी आप देख रहे होंगे हम ज़्यादातर टिप्स पर ही काम कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है ना, हमने हमारे चैनल की शुरुआत ऐसे ही करी कि हमने हमारे चैनल पर लेसन्स पहले अपलोड किए, तो जो कुछ हमसे जुड़ते गए उस समय वो लेसन प्लान से जुड़ते गए और आज भी सीख ही रहे हैं। मगर क्या है, कुछ जने कुछ व्यक्ति अट्रैक्ट ही हमारे चैनल से इसीलिए हुए क्योंकि ये कुछ टिप्स हैं जो उनको पसंद आई कि गायकी के लिए कौन सा हारमोनियम खरीदना है, आवाज़ को कैसे खोलना है, हारमोनियम पर गाना कैसे ढूंढना है और म्यूज़िक कैसे निकालते हैं गाने का बीच में। ये कुछ सवाल थे जिन पर मैंने वीडियो बनाया और उनका मेनली आंसर यही था कि ग्रामर ऑफ म्यूज़िक सीखिए तो आ जाएगा आपको, कहीं ना कहीं वो इधर से ही लिंक हो रहा था। तो जब हमने वो टिप्स वाले वीडियो डाले तो हमारे साथ ज़्यादा जनता जुड़ने लगी, ज़्यादा विद्यार्थी स्टूडेंट्स जुड़ने लगे, तो हमने सोचा कि लेसन्स प्लान्स तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं तो क्यों ना हम टिप्स पर वीडियो बनाए। इसमें क्या होता है, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया है जो मेरे टिप्स के वीडियोज़ हैं कि हम जनरली जो सर्च करते हैं यूट्यूब पर, हमारा सवाल सर्च करते हैं और वो सवाल टैग्स से रिलेटेड होता है, टाइटल से रिलेटेड हो तो हम उसको जल्दी से ओपन करके हमें उसमें आंसर मिल जाता है। मगर क्या होता है, हमने जो लेसन्स बनाए हैं, अब एपिसोड 1 संगीत प्रभा वर्ल्ड वोकल, अब इसके अंदर जो भी कुछ भी हुआ लेकिन जो टाइटल ऊपर पड़ा है वो एपिसोड 1 है, तो जिसने वो एपिसोड देखा उसको समझ आया कि ये सारे जवाब उसमें हैं, जिसने नहीं देखा उसे समझ नहीं आया। तो उसके लिए हमें पर्टिकुलर एक एक टॉपिक बनाना पड़ता है। तो जो भी आप लोग यूँ सोच रहे हो कि इस चैनल पे, तो क्योंकि आप अभी अभी जुड़े होंगे तो आपको लगता है कि इस चैनल पे तो सिर्फ टिप्स आती हैं या फिर सिर्फ ऐसे टॉपिक लेक्चर्स आते हैं, लेसन्स तो आते ही नहीं हैं, तो उनको मैं बता दूं कि व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर आ रहा है उस पर आप कांटेक्ट करें और वहां लेसन प्लान मांगें आपको अगर लेसन प्लान से सीखना है तो। बाकी क्या है, जनरली लोग कहीं ना कहीं सीखते हैं और YouTube या फिर नेट पर सिर्फ टिप्स के लिए सर्च करते हैं, तो हम उनके लिए भी वर्क कर रहे हैं, सभी प्रकार के विद्यार्थियों के लिए हमारा बनता है काम करना। तो आज जो टॉपिक है वो आपने टाइटल से तो पता कर ही लिया होगा, बहुत ही आम सवाल है और उसका जवाब भी बड़ा ही कॉमन है। पूछते हैं जनरली कि हारमोनियम कैसे सीखें, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि हारमोनियम कैसे सीखें, हारमोनियम बजाना कैसे सीखें, हारमोनियम का पहला लेसन कौन सा हो। अब ये सवाल बड़ा ही सिंपल सा है और इसका जवाब भी बड़ा सिंपल सा है कि आपको व्याकरण जो है वो सीखना पड़ेगा, संगीत प्रभा वर्ल्ड ने जो ऑलरेडी सिखा रखा है, यानी कि अलंकारों से आपको हारमोनियम सीखने की शुरुआत करनी चाहिए। हम सोचते हैं कि हारमोनियम सीखना है या गाना सीखना है तो हम सॉन्ग्स वगैरह से तैयार कर लें या उससे हम प्रिपरेशन शुरू करें हमारे लर्निंग की, तो ये नहीं होता है। हमको जो लर्निंग है वो ग्रामर से ही शुरू करनी होती है। अब अलंकार शब्द भी कईयों ने सुना है कि भाई अलंकार होते हैं, अलंकार पलटे ये हमने सुना है कि ऐसे होते हैं, तो अलंकार पलटे तो हमने सिखाए हुए ही हैं, मगर उसमें भी थोड़ा डिटेल में आपको जाना होगा कि उन अलंकारों को थाटों में भी करना है। जब तक आप उन्हें थाटों में और स्केल से नहीं बजाएंगे आपको हारमोनियम नहीं आएगा। सिर्फ अलंकार बजा लेने से आप कहते हैं कि भाई हाँ मुझे हारमोनियम बजाना आता है, मैं थोड़ा बहुत बजा लेता हूँ, हाँ पलटे भी किए हैं, कुछ अलंकार भी किए हैं, इसका मतलब आपको आज बजाना आता है? नहीं। एक कुशल हारमोनियम वादक, एक अच्छा हारमोनियम वादक वही होगा जिसे संपूर्ण थाटों व स्केल्स का नॉलेज होगा, किसी भी स्केल से वो बजा सके। कई ऐसे होते हैं कि भाई हम तो ऑलरेडी प्रोफेशनल्स हैं, भजन सिंगर हैं, गज़ल सिंगर हैं, हम तो प्रोग्राम करते भी हैं, माता रानी के भजन गाते हैं या संध्या करते हैं, मतलब ये प्रोग्राम्स करते हैं और हमें हारमोनियम आता है ऑलरेडी बजाना, तो हमें कुछ टिप्स दे दीजिए या कुछ एक ऐसी चीज़ें बता दीजिए जिनसे हमारे इम्प्रूवमेंट हो जाए। तो ऐसी वो कुछ टिप्स कुछ नहीं होती हैं कि मैं बता दूं कि ये कर लेना तो ये हो जाएगा, क्योंकि कुशलता लाने के लिए आपको सभी स्केल से बजाना आवश्यक है। नहीं तो हम एक हारमोनियम वादक की दृष्टि से ही मैं बात करूं तो हम लोग डिपेंड हो जाते हैं स्केल चेंजर पर कि हमें कहीं भी कुछ भी बजाना है तो भाई स्केल चेंजर है, क्योंकि एक जगह से बजाना हमें आता है और हमें सिर्फ गायकी हमें थोड़ा सपोर्ट नहीं कर रही है, निचले स्केल से लेना है या ऊंचे स्केल से लेना है तो हम सिर्फ उसका फ्रेट खिसकाकर, फ्रेट बोर्ड पूरा कीबोर्ड खिसकाकर हम चेंज कर देते हैं और हम वहीं से बजाते हैं, तो वो कुशलता नहीं है, वो आपकी कमजोरी दर्शाती है कि आप एक कुशल हारमोनियम वादक नहीं है ना।
तो उस चीज का ध्यान रखने के लिए हमें अलंकारों को दसों थाटों में, जो हिंदुस्तानी पद्धति के 10 थाट हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि मैं ये बता तो रहा हूं लेकिन ये सिखा नहीं रहा हूं, तो मैं बार बार यही कह रहा हूं कि हमने सिखा रखा है ऑलरेडी हमारे वीडियोस में, लेसन्स में। जरूरत है बस आपको हमें कॉन्टैक्ट करने की और वो लेसन प्लान मांगने की और लेसन सीखने की। बाकी आप खुद भी सर्च कर सकते हैं वोकल एंड हारमोनियम लर्निंग प्लेलिस्ट, हमारे डिस्क्रिप्शन में हमेशा उसका लिंक होता है, आप डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे लास्ट उसी का लिंक दे रखा है। तो दसों थाटों में जब उन अलंकारों को बजाया, एक अलंकार ले लिया, या हमने जो अलंकार सिखाए हैं हमने तो अलग अलग पैटर्न के पूरे एक 10 पन्नों की अलंकार के एक बंच बना रखा है कि वो अलग अलग डिफिकल्टी लेवल से हमने सेट किए हैं। उन अलंकारों को जब आप सबको पहले बिलावल थाट यानी प्रथम थाट में बजा लिया शुद्ध थाटों में, फिर उसे भैरवी थाट में बजाया सभी अलंकारों को, फिर कल्याण थाट में बजाया, ऐसे करते करते किसी एक स्केल से, मान लीजिए पहली काली आपने पहले चुनी है, फर्स्ट ब्लैक से आप ये बजा रहे हैं, सभी को बिलावल थाट में, फिर सभी को भैरवी थाट में, सभी को कल्याण थाट में, ऐसे करके दसों थाटों में बजाया। अब ये थाट क्या होता है, क्या क्या सुर लगते हैं, वो सब लेसन प्लान में है। ऐसे करके पहली काली से बजा दिया, अब नेक्स्ट स्केल चुना, 12 स्केल होते हैं, सभी जगह से बजाना आना चाहिए। तो ये बातें हैं, ये कॉमन जवाब है इसका। ग्रामर ऑफ म्यूजिक आपको सीखना है तो आपको हारमोनियम बजाना आ जाएगा, हारमोनियम में कुशलता उसी से आएगी, हाथ में स्पीड उन्हीं से बनेगी, हाथ में क्लैरिटी उसी से आएगी। हारमोनियम से रिलेटेड जितने भी आपके जवाब हैं वो सब इधर ही हैं कि आपको वो ग्रामर ऑफ म्यूजिक सीखना है, अलग अलग स्केल्स थाटों और अलंकारों का अभ्यास करना है जो पलटे हैं। एक ही पलटे को एक ही जगह से बजा लेने से हारमोनियम में स्पीड आ जाएगी, मगर एक वो परफेक्शन नहीं आएगा कि कहीं और से भी वही पलटा उतनी ही गति से बज रहा हो। उसी पलटे को हर जगह से हर थाट में उतनी ही गति से अगर आप बजा सकते हैं तो आप एक कुशल हारमोनियम वादक हैं। और उसकी एक ही सिंपल सी ट्रिक है कि आपको थाटों, स्केल्स का और इन सब का नॉलेज होना चाहिए। तुरंत के तुरंत एट द स्पॉट आपको वो गाना या कोई भी धुन आपको दी जाए और आप उसको 10 जगह से बजा के दिखा देंगे, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, जहाँ से भी कंफर्टेबल वो गायकी के लिए सूट हो रही है या जहाँ से आपको म्यूजिक देना है, तो वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। हमें डिपेंड नहीं होना है किसी पर भी कि हमें बजाना नहीं आता हारमोनियम, हम तो सिर्फ गायकी करते हैं। नहीं, हारमोनियम वादक और गायकी दोनों साथ में हो तो एक कुशलता की बात ही अलग होती है। गायकी में भी आपको बहुत सपोर्ट करेगा वो, जो स्टाइल है आपका वो बहुत हेल्प मिलेगी, वो अलंकार, वो पलटे, वो आप स्वरों को बिना तानपुरे के, मतलब बिना हारमोनियम के, तानपुरे के साथ जब गाते हैं तो हारमोनियम काफ़ी हेल्प करता है कि आपके दिमाग में कीबोर्ड चलता है कि अच्छा पहली काली से ये जा रहा है, दूसरी काली से ये जा रहा है, कल्याण थाट ऐसे है, तो काफ़ी हेल्प मिलती है बिना हारमोनियम के गायकी करने में, अगर हारमोनियम सीख लो पहले तो। तो इस चीज़ के लिए पहले हारमोनियम में कुशलता चाहिए, फिर बिना हारमोनियम के आप गायकी कर सकते हैं। हारमोनियम भले ही शास्त्रीय गायन के लिए नहीं हो सही, क्योंकि उसमें शास्त्रीय गायन की चीज़ें नहीं होती हैं, मगर जो लाइट अंग है उसको काफ़ी हेल्प करता है और शास्त्रीय में भी काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि शास्त्रीय में आप जब वो बजेगा तो वो जो दिमाग में कीबोर्ड चलेगा तो आपको काफ़ी गायकी में हेल्प मिलेगी। बाकी स्वतंत्र गायकी तो होती ही है बिना हारमोनियम के। तो हारमोनियम सीखने के कुछ जो रास्ते मैंने आपको बताए वो यही हैं कि अलंकार, थाट, स्केल्स को बजाना, अलग अलग, मैंने कुछ हारमोनियम टेक्निक्स पर वीडियो बनाए उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उनको देखिए, उनका अभ्यास कीजिए। तो कुल मिला के मेहनत का काम है, ऐसा नहीं है हम क्या होता है हम भटके हुए होते हैं, हमको लगता है कि ये भी कर लें, ये भी कर लें, कहीं से कुछ भी अलंकार ले लें। अलंकार भी ऐसा नहीं है कि अनिश्चित हैं, अलंकार नव निर्माण हो सकते हैं, उन्हें दसों थाटों में बजाना मेन है। मेन ये नहीं है कि अलंकार अलग अलग आने चाहिए, मेन ये है कि 10 थाट और स्केल हर जगह से क्लियर होने चाहिए। जब वो क्लियर होंगे तो आपका हाथ एकदम परफेक्ट होगा, कहीं से भी कुछ भी बजा पाएंगे और गीत को निकालने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। जब कोई गीत हारमोनियम पर बजाने के लिए आप जाएंगे तो काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि आपको अंदाज़ा हो जाएगा अगली लाइन ऐसे ही जाएगी क्योंकि ये स्वर पैटर्न ऐसे ही जा रहा है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ और क्या मेरा मेन मकसद है आपको ये बताना कि हारमोनियम कैसे सीखना चाहिए। आपको थाट, स्केल्स का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना हारमोनियम में कुछ नहीं हो सकता। और ये भी नहीं कि एक ही अलंकार को आप दसों थाटों में बजा के सब स्केल से निपटा लें, क्योंकि उससे क्या होगा, वो थाट याद नहीं होगा, वो थाट दिमाग में बैठ जाए, सब जगह क्लियर हो जाए, उसके लिए कुछ ज़्यादा अलंकार करने पड़ेंगे, तो स्वरांगिनी की मदद आपको लगेगी। तो आप ज़रूर हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, उसकी PDF आपको अवेलेबल हो जाएगी और उसके हमने फोटो खींच के यूट्यूब पर भी वीडियो बनाया हुआ, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर देखिएगा। तो जुड़े रहिए संगीत प्रभा वर्ल्ड से और सीखते रहिए। लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिए इस वीडियो को और अपने जो भी व्यूज हैं व्हाट्सएप और कमेंट्स के थ्रू हमें जरूर बताइए। सीखते रहिए।